of YouTube channel. So students, in previous lecture we discussed exercise 3, data handling. I hope you understood this chapter, okay? But now in this class we discuss our first chapter, integer. We know about integer in previous class also, yes? So in this class we read about integer. So what is the integer? What do you mean by integer? क्या जानते हो आप इंटीजर? इंटीजर होता क्या है? क्या होता है इंटीजर? ये हमें देखना है, ठीक है? So हमने देखा, हमने क्या देखा? हमें काउंटिंग आती है, आती है ना सभी को काउंटिंग? 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ठीक है? इसी टाइप से एक नंबर लाइन ले रहे हैं, ठीक है? नंबर लाइन ले हमारी, इस पे 4, 3, 2 ये सारे नंबर्स उस पर लाए कर रहे हैं, ठीक है? इधर की साइड होता है -1, इधर की साइड होता है -2, इधर की साइड होता है -3, -4, इस टाइप से ये नंबर चलते रहते हैं, ठीक है? सो ये क्या है? एक नंबर लाइन है, ठीक है? इस पे 0 में एक इंटीजर है, 0 इज ए इंटीजर. दिस ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर. 0 से राइट हैंड साइड में जो भी इंटीजर्स होते हैं इनको कौन से इंटीजर बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर. और जो भी इसके लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इंटीजर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर, ठीक है? ये चीज सबको क्लियर है? सो हमने क्या बोला? 0 इज ऑल्सो इंटीजर. ना तो ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. ये क्या है? ये भी 0 एक इंटीजर है, ना तो ये पॉजिटिव है ये ना नेगेटिव है. सो 0 के राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे हम आते हैं तो ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है? सो ये चीज क्लियर है आपको? अब हम क्या करने वाले हैं? इससे कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखते हैं, जिससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज वो हम देखते हैं. तो हमें क्या होता है? जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजिबल, डिविजन, एवरीथिंग, जो भी फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स के, वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे. तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या है, कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास होते हैं. सो फॉर्मूला क्या होते हैं? एडिशन तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. प्लस प्लस क्या होता है? प्लस. माइनस प्लस क्या होता है? माइनस. प्लस एंड माइनस इज इक्वल्स टू माइनस. सो हम क्या बोलेंगे? जो भी हमारे पास ये होते हैं, सो माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस प्लस होता है प्लस, प्लस माइनस प्लस क्या होता है? माइनस. और प्लस माइनस माइनस, ये क्या बोला मैंने? एडिशन वाली प्रॉपर्टी बताई. ये क्या है? एडिशन, ठीक है? जब भी हम क्या कर रहे हैं किसी भी टू नंबर, तो क्या बोला? एक चीज देखते आप लोग, जो एडिशन है प्लस है, इसको बोला आप अच्छा. क्या बोला आपने प्लस को? अच्छा. और जो माइनस है इसको आप बोलो बुरा. क्या बोला आपने? प्लस को अच्छा, माइनस को बुरा, ठीक है? ये फर्स्ट में आपसे बात कर रही हूँ एडिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? एडिशन के लिए फॉर्मूला, ठीक है? सो क्या बोला मैंने? माइनस को हम बोलेंगे बुरा, बुरे को बुरा बोलना अच्छी बात है. क्या बोला मैंने? बुरे को बुरा बोलना अच्छी बात है. अच्छे को अच्छा बोलो, अच्छी बात है. बुरे को बुरा बोलना अच्छी बात है, अच्छे को अच्छा बोलना अच्छी बात है. बुरे को अच्छा बोलो बुरी बात, अच्छे को बुरा बोलो बुरी बात, ठीक है? सो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो. सो एक और बार रिपीट करते हैं हम इसको. बुरे को बुरा बोलना अच्छी बात है, अच्छे को अच्छा बोलना अच्छी बात है. बुरे को अच्छा बोलो बुरी बात, अच्छे
अच्छे को बुरा बोलो, बुरी बात, ठीक है। सो हमने यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन था उसको अच्छा बोला है, यानी कि गुड बोला है, और जो माइनस है उसको हमने क्या बोला है, बुरा। सो ये हमारी लर्न करने की एक ट्रिक थी, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कैसा प्रॉपर्टी है, हमने बोला तो सही, ये हमारे एडिशन में फॉर्मूलाज यूज आते हैं, जब तक हमें इन फॉर्मूलाज को यूज लेना नहीं आएगा तब तक ये हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। सो हम इनको यूज लेना सीखते हैं। सो कैसे करते हैं इनका यूज, फर्स्ट इस वाले का हम यूज सीखते हैं। फर्स्ट माइनस माइनस इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस, ठीक है। ये हमने बोला अगर मुझे एडिशन में क्वेश्चन दे दिया जाए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस टू माइनस थ्री, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे माइनस माइनस होता है प्लस, मुझे पता है माइनस माइनस क्या करूंगी मैं, यहाँ प्लस करूंगी, तो टू और थ्री कितना हुआ, फाइव, फाइव हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, इंटीजर्स पढ़ रहे, पहले तो हम क्या करते थे, जैसे थ्री माइनस टू होता था तो हम ये वाला साइन देखते थे तो पता चलता था कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे हम देखते थे ये है यानी प्लस है तो हमें प्लस करना है, ऐसे हम देखते थे। बट जो हम टीजर्स की बात करेंगे तो हमें क्या है, उनके साइंस देखने हैं, हमें ये बीच वाले जो भी साइन है उसको देख के नहीं बताना है कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है। अब हम क्या देखेंगे, उन नंबर से जो बिफोर उनके जो आगे साइन है उनको हमें देख कर बता रहे हैं कि हमें इसमें एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। अब देखो इसमें पीछे माइनस था बट हमने इसमें सब्ट्रैक्शन किया नहीं ना, इसमें हमने क्या किया, एडिशन किया। सो हम क्या करेंगे, इसको अब क्या करेंगे, साइन के साथ देखेंगे कि इसमें एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। डायरेक्टली हम इसको ऐसा जज नहीं कर सकते कि इसमें एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है बीच वाले साइन को देख कर। ओके इज इट क्लियर। सो अब मैंने बोला माइनस टू माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो मैंने बोला अब टू और थ्री फाइव भी मैंने कर दिया। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, साइन हमारे पास वो आएगा जिसका बड़ा नंबर है। अब टू और थ्री में से बड़ा कौन है, थ्री, थ्री इज बिगर ना, सो थ्री का साइन क्या है, माइनस, सो थ्री के यहाँ पे माइनस, क्लियर। सो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने इसका, माइनस, अंडरस्टैंड आर नॉट, यस वेरी गुड। नाउ वी टेक मोर एग्जांपल्स, माइनस एट माइनस सेवन, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस होता है, सो एट और सेवन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना होता है एट और सेवन, फिफ्टीन। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्यों आएगा, क्योंकि एट नंबर है बिगर, सेवन से एट नंबर बड़ा है ना, और एट का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस, ठीक है, क्लियर है सभी को। सो फर्स्ट वाला हमने अपना ट्राई किया, अब सेकंड वाला हम ट्राई करते हैं, यानी कि प्लस 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 होता है, ठीक है। अब हमने प्लस इज इक्वल्स टू ये क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल सा जो कि हम सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक एग्जाम्पल है टू प्लस थ्री, तो इसका जहां पे कोई साइन नहीं होता वहां पे क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। सो टू प्लस थ्री कितना हुआ, फाइव। वी टेक वन मोर एग्जाम्पल, सेवन प्लस टू नाइन, क्लियर। सो कम ऑन योर नेक्स्ट फॉर्मूला, सो व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर्मूला, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, जब हम एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, टू माइनस प्लस फोर, ये मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने ले लिया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, सो एक माइनस का है और ये एक प्लस का है, सो बोला माइनस प्लस मिलके बनता है माइनस, सो माइनस प्लस मिलके बनेगा माइनस करना है, यानी कि टू माइनस फोर या फोर माइनस टू करना है, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा, टू, फोर में से टू गए तो टू ना। अब देखना है साइन कौन सा आएगा, तो साइन मैंने क्या बताया था, जो भी हमारा बिग नंबर होता है हम उसका साइन राइट करते हैं, सो यहाँ पे बिग नंबर कौन सा है, फोर, टू है कि फोर है, फोर है ना, तो फोर का साइन क्या है, आगे वाला साइन प्लस,
तो यानी कि किसका आएगा, प्लस का 2 आएगा, ठीक है। बीटेक मोर एग्जांपल 9 प्लस 7। अब क्या है, माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस करेंगे, 9 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 2। साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, 9 माइनस का है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 15 प्लस 10 कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 10 दे तो 5, माइनस के साइन से, क्योंकि माइनस 15 इज बिगर नंबर, और बिगर नंबर का साइन क्या है, माइनस, ठीक है, क्लियर। सो कम ऑन लास्ट फॉर्मूला, सो व्हाट इज द लास्ट फॉर्मूला, प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, क्लियर। तो 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 सिंपल सा है, ये प्लस और ये माइनस, तो कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 1, ठीक है। अब 6 माइनस 9 ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 9 गए तो, यानी कि 9 में से 6 गए तो 3। अब 3 कौन से साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ, सो माइनस साइन, क्योंकि 9 क्या था, माइनस साइन का है, तो वो बड़ा नंबर है, इसलिए जो भी बड़ा नंबर होता है उसका साइन यहाँ आता है, ठीक है। सो 12 माइनस 22 अब क्या आएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा, 22 माइनस 12 10। अब कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन, ठीक है, क्लियर है सभी को ये। सो ये एडिशन वाली प्रॉपर्टीज थी, तो अब हम एडिशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी ना, जब आपने अपना चैप्टर पढ़ा था होल नंबर वाला, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना। सो हम इसके लिए अपनी कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ, यानी कि चीजों को अरेंज करना, इसका मतलब हो गया चीजों को अरेंज करना या रीअरेंज करना, ठीक है। आप करते हो ना घर में किसी चीज को, जैसे ये कोई तस्वीर है, वो यहाँ पर बैठा नहीं लग रही, अगर मैं इस चीज को वहां पर शिफ्ट कर दूं तो मेरा स्पेस भी मुझे थोड़ी ज्यादा अच्छी भी लगेगी, तो मेरी इस वाली प्लेस का यूटिलाइज अच्छे से होगा, होता है ना, सो हम करते हैं ना, तो इसमें हम भी क्या करेंगे, सेम रीअरेंज करना सीखेंगे। तो ये क्या होती है, ए प्लस बी को हम रीअरेंज कर देते हैं बी प्लस ए में, ठीक है। वी टेक एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल्स टू 3 बी इज इक्वल्स टू 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 5, ठीक है, क्या आएगा, 5, और 2 प्लस 3 करूंगी तो भी 5, क्लियर है। सो मैंने क्या कर दिया, पहले 3 था तो उसको बाद में लिख दिया, सो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये हमारी होती है कम्युनिटिव प्रॉपर्टी। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव का मीन क्या हुआ, पहले बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव का मीन बांटना, चीजों को बांटना, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी, ये मल्टीप्लिकेशन में यूज की जाती है, कौन सा टाइम में की जाती है, ये यूज मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में यूज होती है। सो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है, तो हम इसमें मतलब लर्न करनी है, कैसे लर्न हो, इतनी टफ सी है तो कैसे लर्न कर सकते हैं हम, सो इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, पापा आए, पापा बाजार से आए मिठाई रेपर में लाए, क्या बोला मैंने, पापा बाजार से आए मिठाई रेपर में लाए, सो पापा आए, क्या लेकर आए पापा, मिठाई लाए, तो ये ए हमारी क्या है, मिठाई, किस में लाए थे मिठाई, तो रेपर में लाए, तो ये क्या है हमारा, रेपर,
ए को क्या बोला हमने, मिठाई, और मल्टीप्लाई को क्या बोला, रैपर। ठीक है, पापा आए मिठाई रैपर में लाए, भैया दीदी, अब घर पे आए तो भैया दीदी भी होंगे, होंगे ना, सभी के भैया दीदी हैं घर में, छोटा भाई है, बड़ी बहन है, या किसकी बड़ा भाई छोटी बहन है ना, तो पापा आए मिठाई लाए, भैया और दीदी को भी देंगे। ठीक है, या अकेले के लिए खा लेंगे, सबको देते हैं ना, सबको शेयर करेंगे। सो भैया को भी दी मिठाई, भैया को दी मिठाई, दीदी को भी दी, दी ना मिठाई, भैया को भी दी मिठाई, दीदी को भी दी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जो हमारी कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, ये हमारी किसमें भी अप्लाई होती है, मल्टीप्लाई में भी अप्लाई होती है। वो कैसे होती है, ये एडिशन के लिए बताई थी। ठीक है, अब कौन से वाले देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए। अब इसका एक एग्जांपल देखें, ए इक्वल्स टू 3 था एंड बी इक्वल्स टू 2, तो ये कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो जब 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगी तो भी आंसर 6 आएगा, और जब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करूंगी तो भी आंसर 6 ही आने वाला है। क्लियर? सो ये क्या देखा हमने, जो कम्युनिटी प्रॉपर्टी थी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों को होल्ड करती है। ठीक है, ये क्या करती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही होल्ड होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे नहीं। ठीक है, क्योंकि डिवीजन पे हम इसको होल्ड करेंगे तो पता है क्या रिजल्ट निकलेगा। देखो, अगर मैं इसको इस टाइप से लिख देती हूँ, अगर a is equals to 3 minus 2, ठीक है, और 2 minus 3, so जब 3 minus 2 करते हैं तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा, और 2 minus 3 करेंगे तो आंसर minus 1 आएगा, so answer will be changed ना, answer is changed, yes or not, yes, so answer is changed, so ये हमारे subtraction में ये property हमारी fail हो गई। अगर हम division की बात करें, a divisible by ये b, सो देखो 2 डिविजन बाय 3, 3 बाय 2 तो कितना आया, यानी कि इसको मैं राइट कर सकती हूँ 3 बाय 2, एंड जब इसको करूंगी तो ये आ जाएगा ये। सो ये आंसर आर डिफरेंट ना, दे बोथ आर आंसर डिफरेंट। सो हमने क्या बोला, सिर्फ हमारी कम्युनिटी प्रॉपर्टी है वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ही कंप्लीट सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, सो ये दो प्रॉपर्टी समझ में आई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही थी। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पहले भी पढ़ी होगी, पढ़ी है ना सभी लोगों ने, कि किस तरह पढ़ी। तो अब हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, एसोसिएटिव। तो क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये किसके लिए, एडिशन के लिए। ठीक है, किसके लिए है ये, एडिशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने इसकी जैसी प्रॉपर्टी देखी ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सो अब ये एडिशन के लिए, a plus b plus c is equals to, we can write a plus b plus c, यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, a is equals to 3 plus 2 plus 5, ठीक है, ये ले लेती हूँ, तो a का वैल्यू कितना था, 3 प्लस 2 प्लस 5। अब देखो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 2 5 प्लस 5 कितना आया, 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 इज इट इज, फर्स्ट में ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं ना, 5 और 2 7, तो ये भी 10। ठीक है, जब दोनों को सॉल्व किया तो आंसर क्या आया हमारे पास, 7 आया, आया ना। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल भी लेकर बता देती हूँ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी यही होती है, यही थी ना कि नहीं थी, मिठाई पापा आए मिठाई रैपर में लाए, तो पापा ने भैया को भी दी, पापा ने मिठाई किसको दी, दीदी को भी दी। ठीक है, सो अब हम क्या करने वाले हैं, एग्जांपल लेने वाले हैं, वही a इक्वल्स टू मैंने यहां पे लिया 3, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 5। ठीक है, सो हम इसको सॉल्व करते हैं, a is equals to 2, 3 plus 5,
ठीक है, तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 एंड a कितना है 3 एंड c। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला में सपोर्ट कर लिया 3 इज एज इट इज, 5 और 2 7 कितना हो गया 21। ठीक है, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, तो कितना आ जाएगा 21। देख बहुत आर इक्वल, सो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल था, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल था। अब हम देखते हैं जीरो प्रॉपर्टी, क्या देखेंगे हम जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी जानते हो ना, जीरो प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, और डिविजन और सबके लिए हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो जीरो प्रॉपर्टी की जब हम बात कर रहे हैं, क्या होती है जीरो प्रॉपर्टी, जब मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो क्या है a मल्टीप्लाइड बाय जीरो, यानी कि जीरो, यानी कि जब किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो क्या हो जाएगा जीरो। एक एग्जांपल ले लो, 2 मल्टीप्लाइड बाय जीरो जीरो, एडिशन की बात कर रही हूँ, a प्लस जीरो a, यानी कि 2 प्लस जीरो 2, 3 प्लस जीरो इज इक्वल टू 3, क्लियर। जब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस जीरो क्या आ गया 2, बट अगर मैंने कभी 0 माइनस 2 कर लिया तो आंसर क्या आ गया, चेंज आ गया ना, आंसर चेंज आ जाएगा। अगर मैं इसको 0 मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगी तो भी 0, ठीक है, और 0 प्लस 2 करूंगी तो भी आंसर 2, 0 प्लस 3 करूंगी तो भी 3, बट अगर मैंने इसको उल्टा किया तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर चेंज हो गया, हो गया ना चेंज। सो ये क्या है, जो जीरो प्रॉपर्टी है ये डिवाइड और उसको भी और नहीं करती। सो मैंने क्या बोला, अब डिवाइड के लिए देखते हैं, डिवाइड के लिए 8 डिवाइडेड बाय 0 आंसर कुछ और आएगा, और 0 डिवाइडेड बाय 8 ये भी आंसर कुछ और आएगा, देखो था डिफरेंट ना। सो ये जीरो प्रॉपर्टी है एडिशन मल्टीप्लिकेशन है एडिशन के लिए। अब हम देखते हैं वन प्रॉपर्टी है ना, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर मैं वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो सेम नंबर मेरे पास रिटर्न में आ जाएगा, ए को मैंने वन से किया तो मेरे पास रिटर्न में क्या आया ए। ठीक है, अगर ये किस पे होल्ड होती है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन पे। ठीक है, सो अब इसके एग्जांपल है, 3 इनटू 1 इज इक्वल टू 3, ओके, तो और या 1 इज इक्वल टू 3 करूंगी मैं तो भी 3 दे, बहुत सारा आंसर सर। सो ये अपने आप बात की प्रॉपर्टीज थी। अब हम देखते हैं रिपीटेड प्रॉपर्टी, रिपीट प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम बात कर रहे हैं रिपीट प्रॉपर्टी की, रिपीट तो रिपीट प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीटेड प्रॉपर्टी तो क्या होती है रिपीटेड प्रॉपर्टी, जैसे मेरे पास कोई भी एक नंबर है वो क्या हो रहा है मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे रिपीटेड प्रॉपर्टी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर 2 4 4 6 8, इसका आंसर कितना आया 8। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 है रिपीट कौन हो रहा है 2 हो रहा है, कितना टाइम लगा 1 2 3 4, सो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8, ये आंसर सेम आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 5 प्लस 5 प्लस 5, अब क्या है कौन रिपीट हो रहा है 5, कितने टाइम रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5, सो व्हाट वी गेट 25, 5 10 15 20 25, सो यहां पे भी 25, देखो बहुत आंसर सेम ना। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, छोटे करने के लिए इसको स्टेप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट सीखते हैं मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब जो हमने फॉर्मूलास देखे थे ना एडिशन में, माइनस प्लस अच्छा बुरा, वही सेम फॉर्मूलास हम मल्टीप्लीकेशन में भी अप्लाई करते हैं। सो एक और बार फॉर्मूला देखते हैं, बुरे को बुरा बोलना अच्छी बात है,
अच्छे को अच्छा बोलना अच्छी बात है, बुरे को अच्छा बोलो बुरी बात, अच्छे को बुरा बोलो बुरी बात। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। पहले हमने सॉल्व किया था एडिशन से रिलेटेड, ठीक है। सो अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट -2 × -4, इट इज अवर क्वेश्चन। -2 × -4, सो व्हाट वी से, माइनस माइनस होता है प्लस, 4 × 2 = 8। अब हमने क्या बोला, जब भी मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या होंगे तो हम साइन क्या आएगा, जो यहाँ पे ये साइन आ रहा है ये साइन हम यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। सो माइनस माइनस होता है प्लस, सो ये बन गया माइनस माइनस। जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई हुए तो कौन सा साइन में चेंज हो गया, प्लस साइन में, ठीक है। 4 × 2 = 8। वी टेक वन मोर एग्जांपल, 6 × -5। माइनस माइनस से आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या बन गए, प्लस, 6 × 5 = 30। क्लियर, -4 × 2 = 3, थ्री कर लो, ठीक है। सो माइनस माइनस हो गए प्लस, 4 × 3 = 12। मल्टीप्लाई में साइन आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं और अपना साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट के एग्जांपल थे। अब सेकंड के लिए एग्जांपल देखते हैं, प्लस 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 है ना, सो 2 × 3 = 6, क्योंकि दोनों के साइन प्लस के, 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12, क्लियर, यस। सो थर्ड हम देखते हैं, माइनस प्लस माइनस वाला, तो -2 × 3